कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप ट्वीट लैब हिंदी की कोई भी नई अपडेट को मिस ना कर पाए। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार फ्रॉडस्टर्स फिशिंग लिंक्स की मदद से आपकी मेहनत की कमाई चुटकियों में हड़प सकते हैं। RBI अम्बड्समैन के मुताबिक फ्रॉडस्टर्स पहले एक थर्ड पार्टी वेबसाइट क्रिएट करते हैं जो बिल्कुल एक जेन्युइन बैंक की वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट या एक सर्च इंजन जैसी लगती है। फिर वो इस वेबसाइट के लिंक को SMS, सोशल मीडिया, ईमेल या इंस्टेंट मैसेंजर के द्वारा सर्कुलेट करते हैं। क्योंकि कस्टमर्स को ये वेबसाइट जेन्युइन लगती है, वो लिंक को चेक नहीं करते और अपने सिक्योर क्रेडेंशियल्स डाल देते हैं। और तो और, कई बार इन लिंक्स का नाम हूबहू एक जेन्युइन वेबसाइट जैसा होता है, पर रियलिटी में जब भी कस्टमर इन पर क्लिक करता है वो एक फिशिंग वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाता है। इसके बाद जब कस्टमर इन वेबसाइट्स पर अपने क्रेडेंशियल्स जैसे नाम, पता, फ़ोन नंबर और यहाँ तक कि बैंकिंग डिटेल्स डालता है, फ्रॉडस्टर्स इसे कैप्चर कर लेते हैं। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि ऐसी किसी भी सस्पिशियस लिंक पर क्लिक ना करें, स्पेशली अगर वो आपसे आपके फाइनेंशियल क्रेडेंशियल्स मांगती है। दूसरी बात, आपको ऐसे SMS, ईमेल्स या मैसेजेस को तुरंत डिलीट कर देना चाहिए ताकि आइंदा कोई उन्हें एक्सेस ना कर सके। फिशिंग ईमेल और वेबसाइट को कैसे पहचाने, इसके लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कर वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।